दोस्तों आज मेरे पास एक नोकिया का कीपैड फ़ोन है। अब जैसा कि जान रहे हैं कि सैमसंग का कीपैड फ़ोन बंद हो चुका है, तो अब ज़्यादातर फ़ोन यही बिकेगा और इसी फ़ोन पे हमें काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हुआ क्या है कि इस पे जो है दोस्तों कि नेटवर्क देखिए नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए नेटवर्क जो है, यहाँ पर नेटवर्क का जो सिम्बल है, यहाँ पर जो नेटवर्क का सिम्बल है नहीं आ रहा। ठीक है, और अगर इंसर्ट सिम का प्रॉब्लम रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा नो सिम। ठीक है, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। इसमें जो सिम मैं दूसरे फ़ोन में डाल रहा हूँ तो वो काम कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों आपको, कि इसका जो है IMEI नंबर जो है उसको चेक करना। कई टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सीधा फ़ोन खोलते हैं, हीट उठ मारते हैं, साफ़ करते हैं, फ़ोन हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस। ऐसी गलती नहीं करना है दोस्तों, हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना है। उसके बाद जो है सबसे पहले हमें इसका IMEI नंबर चेक करेंगे, *H06H। ठीक है, अगर IMEI नंबर आपका ओके रहता है, ठीक है, तो आपको हार्डवेयर पे देखना है। अगर IMEI नंबर 0 दिखाता है या फिर डॉट डॉट दिखाता है तो समझ लीजिए सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है और इसका IMEI नंबर चढ़ाना पड़ेगा। एकदम फ्रेश सेट है, अभी खुला नहीं है। ठीक है, और सिम भी मैं यहीं पर रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिम मैं चेंज कर दिया या फिर और भी कुछ कर दिया। तो ये सिम जो है ओके सिम है, दूसरे फ़ोन पे मैंने डाल के देखा नेटवर्क इसमें आ रहा था। तो अभी इस फ़ोन में सिम की प्रॉब्लम है, इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को हम करेंगे सॉल्व। क्योंकि हमें IC लेवल का काम जो है, इस पे कुछ भी है तो IC लेवल का ही काम है, क्योंकि जो है इस पे कुछ भी कंपोनेंट, यहाँ पे कुछ भी वाटर डैमेज कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, तो हम इसका डिस्प्ले को भी थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक है, डिस्प्ले को खोल दिया है। यहाँ पे दोस्तों फ़ोन पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक नेटवर्क के लिए जो है ये वाला जो है क्रिस्टल होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रिस्टल पुराना होने के बाद जो है ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो हमें इस क्रिस्टल को किसी भी फ़ोन के, किसी भी चाइना फ़ोन से निकालना है और चाइना फ़ोन के क्रिस्टल को इस फ़ोन में लगा सकते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों कि इस क्रिस्टल को जो हम इसको फिर से जो है सिर्फ हिला देंगे। ठीक है, इस IC पे आपको हीट नहीं करना दोस्तों। ठीक है, IC पे हीट करने से फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, हम इसको कवर कर लिए हैं और इस क्रिस्टल को हम हिला देंगे हल्का सा। चल को हिला देने के बाद जो है कि आपका 90% चांस होता है दोस्तों कि ये जो है आपका नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आता है बाय द वे, तो आपको किसी भी फ़ोन से, किसी भी चाइना फ़ोन में इस तरह का क्रिस्टल होता है। ठीक है, आप इस तरह से दूसरा क्रिस्टल कहीं से भी निकाल के किसी भी बोर्ड से आप इस पर लगा दीजिएगा तो 100% ये काम कर जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मेरा जो ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा।
तो जैसे कि दोस्तों मैंने इसको हीट भी किया, तो देखिए ये ना नेटवर्क अभी भी साइलेंट ही है, नेटवर्क अभी आया नहीं है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, इसका आईसी को चेंज करना है। तो इसका आईसी को हम इस चेंज करेंगे, तो ये है आईसी, और इसको हम कर देंगे कवर। और मेरे पास दूसरा आईसी जो है मैं इस बोर्ड से निकालूंगा यहाँ से। तो देखिए दोस्तों, अभी देखिए एयरटेल मेरा आ गया है, ठीक है, नेटवर्क मेरा आ गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये छोटा सा जो है आईसी जो है, इसी के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। ये देखिए एयरटेल आ गया है, ये जो आईसी ख़राब था मेरा, इस वजह से नहीं आ रहा था, देख लीजिए। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।